आज करेंगे द ग्रेट वॉरियर, एक लव्य के बारे में। एक ऐसा वीर जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम ही होगी, और मानो जैसे धनुर्विद्या उसकी जिंदगी हो। बिना गुरु के भी इतने महान थे एक लव्य, जो अर्जुन जैसे योद्धाओं के पसीने छुड़ा सके। तो चलिए इस महान व्यक्ति का इतिहास जानने के लिए। महाभारत ग्रंथ के अनुसार द्वापर युग में प्रयागराज निकट शरणपुर नाम का एक राज्य था, और उस राज्य के राजा हिरण्यधनु थे। महान एकलव्य निषाद राजा हिरण्यधनु का ही पुत्र था। महाभारत काल में निषाद जाति को शूद्र माना जाता था, इसलिए महाभारत ग्रंथ में इस राज्य के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया गया है। एकलव्य का बचपन का नाम अभिद्युम था, और कई लोगों का मानना है कि एकलव्य का बचपन का नाम अभय था, और हरिवंश पुराण में बताया गया है एकलव्य हिरण्यधनु के दत्तक पुत्र थे, जिसका जन्म भगवान श्री कृष्ण के चाचा के यहाँ हुआ था। लेकिन जब ज्योतिषों को एकलव्य की कुंडली दिखाई गई, तब उन्होंने देखा यह तो महान व्यक्ति बनेगा। तब एकलव्य के पिता ने श्री कृष्ण के कहने पर एकलव्य को हिरण्यधनु को सौंप दिया। हरिवंश पुराण में साफ साफ बताया गया था एकलव्य क्षत्रिय है, ना कि शूद्र। फिर अभय एकलव्य कैसे बना होगा, चलिए जानते हैं। बचपन में एकलव्य कुशाग्र बुद्धि का धनी था। जब 5 वर्ष की आयु में उसकी शिक्षा आरंभ हुई, तब गुरु ने उसकी एकाग्रता, लगन और बुद्धि को देखते हुए उसका नाम एकलव्य रखा। फिर कुछ दिनों बाद उस आश्रम में एक पुलक मुनि पधारे, और उन्होंने देखा एकलव्य कितनी लगन और आत्मविश्वास के साथ धनुर्विद्या सीख रहा है। तब पुलक मुनि एकलव्य के पिता हिरण्यधनु के पास गए और उनसे कहने लगे, तुम्हारे पुत्र एकलव्य में बेहतरीन धनुर्धारी बनने के लिए सारे गुण विद्यमान है, इसीलिए इसको किसी अच्छे गुरु के पास ले जाओ। तब हिरण्यधनु गुलक मुनि की बात से प्रभावित होकर एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम पे ले गए, और गुरु द्रोणाचार्य से एकलव्य को अपना शिष्य बनाने के लिए आग्रह किया, और एकलव्य भी अपने मन में प्रसन्नता के साथ गुरु द्रोण को अपना गुरु मान चुका था। लेकिन गुरु द्रोण अपनी ऐठ और अकड़ दिखाते हुए एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। निराश एकलव्य और हिरण्यधनु वहां से आ गए, लेकिन एकलव्य अभी तो कहां पर रुकने वाले थे, क्योंकि वो इस बात से भली भांति परिचित थे कि उनको धनुर्विद्या गुरु द्रोण से अच्छी कोई नहीं सिखा सकता। तब एकलव्य ने एक निश्चय किया, आश्रम के पीछे जो वन है वो वहां पर रहेंगे और धनुर्विद्या का अभ्यास करेंगे। तब उन्होंने उस आश्रम के पीछे वन में गुरु द्रोण की एक प्रतिमा बनाई, और उस प्रतिमा को गुरु द्रोण मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। फिर एक दिन एकलव्य अपने अभ्यास में व्यस्त थे, तब एक कुत्ता उन पर भौंकने लगा। ये सब देख एकलव्य को गुस्सा आ गया, उसने उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, और फिर वो कुत्ता वहां से चला गया और गुरु द्रोण के आश्रम में पहुंचा। तब आश्रम में अभ्यास कर रहे कौरवों और पांडवों ने देखा उस कुत्ते के मुंह से एक भी रक्त की बूंद नहीं गिरी है, और उसका मुंह बाणों से भरा हुआ है। ये सब देखकर सब लोग चौंक गए। तब गुरु द्रोण ने कहा, ये किसने किया है। तब एकलव्य वन से निकल कर आए, और उन्होंने गुरु द्रोण को प्रणाम किया और प्रसन्नता के साथ कहा, आपके आशीर्वाद से ये मैंने ही किया है गुरुदेव, आपने तो मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया था, तब मैंने आपकी प्रतिमा बनाई और शिक्षा ग्रहण की। ये सब सुनकर गुरु द्रोण का गला भर आया। तब गुरु द्रोण ने अपने मन में सोचा, मैंने एकलव्य को शिष्य न बनाकर एक बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन गुरु द्रोण ने अर्जुन को वचन दिया था कि वो अर्जुन को विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। ये सब सोचते हुए गुरु द्रोण ने सोचा, ऐसे तो अर्जुन
विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर नहीं बन पाएगा। इसीलिए गुरु द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। तब एकलव्य ने कहा, बोलिए गुरुदेव, आपको क्या चाहिए? तब गुरु द्रोण अपने ही हृदय पर पत्थर रख करके एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। यह सब सुनकर एकलव्य चौंक गया, लेकिन उसने शिष्य होने के नाते ज्यादा नहीं सोचा और अंगूठा काट कर गुरु द्रोण के चरणों में समर्पित कर दिया। ये सब देखकर गुरु द्रोण की आंखों में आंसू आ गए। तब गुरु द्रोण ने कहा, वत्स, मेरे बहुत से शिष्य हुए, लेकिन न तुम जैसा शिष्य पहले कभी था और न कभी होगा। यह कहकर गुरु द्रोण आश्रम से चले गए और एकलव्य भी अपने राज्य श्रृंगवेरपुर को लौट आया और बिना अंगूठे के चार अंगुलियों से प्रयास करने लगा। तब कई सालों बाद एकलव्य एक बड़ा धनुर्धारी बनकर सबके सामने आया और अपने राज्य को संभालने लगा और इस प्रकार एकलव्य एक वीर योद्धा बना। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, सो इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।